गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे क्लास 11th की एग्रीकल्चर, जिसमें हमारा लेसन चल रहा था 17वां पशु एवं पोषण। पशुओं का पोषण अपन पढ़ रहे थे, पांचवा पार्ट है ये हमारे लेसन का, ठीक है, 11th क्लास का है, ठीक है। तो कल अपन ने साइलेज, जो चारा संरक्षण की प्रथम विधि थी, पहली विधि थी साइलेज बनाना, वो पढ़ा था पूरा कंप्लीट तरीके से, ठीक है। अब लास्ट में अपन ने साइलेज के प्रकार पढ़े थे, आज अपन दूसरी विधि और इस अध्याय को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे, है बनाना। दूसरी विधि है बनाना, ठीक है। तो सेकंड नंबर लगा के अपन इसको पढ़ते हैं, है बनाना। अब है बनाना क्या होता है, है कैसे बनाते हैं, अपन कब से पढ़ रहे हैं। तो ये क्या है, यह एक ऐसा सूखा चारा होता है, सूक्ष्म सूखा चारा है, जिसमें पानी की मात्रा कम होती है। हे जो होता है, ये एक ऐसा सूखा चारा होता है जिसमें पानी की मात्रा कम होती है, और तथा पोषक तत्वों की मात्रा उस फसल की अपेक्षा अधिक होती है। जैसे जिस चारे से अपन बनाते हैं, उस चारे में पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है, और जिस चारे से अपन हे बनाते हैं, जिस फसल से अपन हे बनाते हैं, तो फसल के मुकाबले इस हे में क्या होता है, पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। तो पानी की मात्रा कम होती है और पोषक तत्वों की मात्रा कम अधिक होती है। देखिए, यह एक ऐसा सूखा चारा है, डिवाइड कर लेते हैं इसको पहले दो भागों में, यह एक ऐसा सूखा चारा है जिसमें पानी की मात्रा कम होती है तथा पोषक तत्वों की मात्रा उस फसल की अपेक्षा अधिक होती है, फसल की अपेक्षा अधिक होती है, उस फसल की अपेक्षा जिससे इसको बनाया जाता है, उससे ज्यादा तो इस बने हुए हे में क्या होता है, पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। एक उत्तम प्रकार की जो है होती है, वो रंग की हरी होती है, पत्तियों युक्त होती है और मुलायम होती है, पत्तियों युक्त मुलायम तथा उत्तम गंध वाली होती है, रंग हरी, पत्तियों युक्त होती है और मुलायम होती है तथा उत्तम गंध वाली, बढ़िया स्मेल वाली होती है। तो एक उत्तम प्रकार की है, एक उत्तम प्रकार की जो है होती है हरे रंग की पत्तियों युक्त मुलायम, पत्तियों युक्त क्या होती है, मुलायम तथा उत्तम गंध युक्त होती है, अच्छी और उत्तम गंध युक्त होती है, ठीक है। आगे देखिए, अब है के प्रकार अपन पढ़ेंगे, कैसे है होते हैं, है कितने प्रकार की होती है। तो है के प्रकार की चर्चा करें तो देखिए, पहला होता है फलीदार फसलों से बनाई जाने वाली है, जिसके कहते हैं फलीदार फसलों की है। फलीदार फसलों से जो है बनाई जाती है, उसमें क्या खासियत होती है, क्या खास चीजें होती हैं। ये प्राय फलीदार फसलों जैसे मटर, लोबिया, बरसीम से बनाई जाती है, रिजका आदि से बनाई जाती है। ये प्राय
ये ज्यादातर किससे, फलीदार फसलों जैसे मटर, लोबिया, मटर लोबिया, बरसी, रिजका आदि से बनाए बनाई जाती है। रिजका आदि से क्या होती है, बनाई जाती है। इसमें निम्न उत्तम गुण होते हैं, इसमें कुछ खास गुण होते हैं जिनके गुणों के कारण इनको सबसे बेस्ट माना जाता है। ठीक है, तो इसके गुण अपन लिख लेते हैं, गुण कौन कौन से हैं। ठीक है, गुणों की चर्चा करें इसकी, तो देखिए पाचक तत्वों की मात्रा क्या होती है, अन्य प्रकार की है से अधिक होती है। इसमें अन्य प्रकार की जो है होती है उससे पाचक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। पाचक तत्वों की मात्रा अन्य प्रकार की है से अधिक होती है, अन्य प्रकार की है से पाचक तत्वों की मात्रा इसमें क्या होती है। अब इन पाचक तत्वों में पाच्य प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है, ये तो पहला गुण हो गया। दूसरा होता है पाचक तत्वों में पाच्य जो प्रोटीन होता है, पाच्य प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है, अधिक मात्रा में पाच्य प्रोटीन पाया जाता है, ये इसका दूसरा गुण है। ठीक है, इनमें विटामिन ए डी ई पर्याप्त मात्रा में होता है। ठीक है, इनमें विटामिन कौन कौन से, ए डी ई पर्याप्त मात्रा में होता है। पर्याप्त मात्रा में क्या होता है, विटामिन ए डी ई होता है। ठीक है, इनमें कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में होता है, इसमें क्या होता है, कैल्शियम बहुत ही अच्छी मात्रा में पर्याप्त मात्रा में होता है। इनमें कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में होता है, इनमें कैल्शियम क्या होता है, अच्छी मात्रा में पर्याप्त मात्रा में होता है। ठीक है, फिर देखिए ये अधिक स्वादिष्ट और पाचक होते हैं, जो ये है होती है फलीदार है वो क्या होती है, अधिक स्वादिष्ट भी होती है, स्वाद में भी बढ़िया होती है और पाचक होती है। यह अधिक स्वादिष्ट तथा पाचक होती है, अधिक स्वादिष्ट भी होती है तथा साथ में क्या होती है, बढ़िया सी पाचक होती है, अधिक स्वादिष्ट व पाचक होती है। आगे देखिए अधिक स्वादिष्ट व पाचक होती है। ठीक है, आगे देखिए यह शीघ्र व आसानी से क्या होती है, उगाई जा सकती है, यह शीघ्र और आसानी से उगाई जा सकती है, यह शीघ्र व आसानी से उगाई जा सकती है। ठीक है, फलीदार फसलें एक तो शीघ्र वर्ष में 2-3 बार फसलें आ जाती हैं। ठीक है, और आसानी से सरलता से उगाई जा सकती है। ठीक है, यह भूमि के कटाव को भी रोकती हैं। ठीक है, यह भूमि के कटाव को रोकती हैं, यह भूमि के कटाव को रोकती हैं। ठीक है, यह भूमि के कटाव को रोकती हैं। ठीक है, ये फलीदार फसलों की है के गुण है। फिर है फल रहित फसल वाली है। ठीक है, दूसरा है हमारा फल रहित, जो बी है फल रहित फसल वाली है। ठीक है, उसके बारे में अपन चर्चा करें।
फलदायी फसल वाली है क्या होती है? यह विभिन्न हरी घासों, यह विभिन्न प्रकार की हरी घासों तथा चारे की फसलों से तैयार की जाती है। विभिन्न प्रकार की हरी घासों और चारे की फसलों से तैयार की जाती है। यह विभिन्न प्रकार की चारे की फसलों एवं हरी घासों से तैयार की जाती है, यानी बनाई जाती है, तैयार की जाती है। नेक्स्ट आगे अपन चर्चा करें इसकी, तो देखिए यह फलीदार है से कम स्वादिष्ट होती है। फलीदार है से कम स्वादिष्ट होती है, सबसे बेस्ट तो फलीदार वाली होती है। यह फलीदार है से कम स्वादिष्ट होती है, इतना ज्यादा स्वाद नहीं होता है इसमें, खाने में इतना ज्यादा इसका स्वाद नहीं होता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे इसमें जो प्राच्य प्रोटीन होते हैं, प्राच्य पाचक प्रोटीन होते हैं, खनिज लवण विटामिन कम मात्रा में पाए जाते हैं, फलीदार से कम मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें प्राच्य प्रोटीन, खनिज लवण तथा विटामिन कम मात्रा में पाए जाते हैं, कम मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार की है बनाने में हानि कम होती है, इस प्रकार की है बनाने में क्या होती है, हानि कम होती है। इस प्रकार की है बनाने में हानि कम होती, किसी प्रकार का इसमें नुकसान बहुत ही कम होता है, इस प्रकार की अगर अपन है बनाना चाहते हैं। ठीक है, फिर ये तो हो गई हमारी फल रहित या फली रहित, फिर मिश्रित है, तीसरा है मिश्रित है। अब मिश्रित ऐसे ही पता चलता है, तो फलीदार और फल रहित दोनों की फसलों से मिक्स करके बनाया जाता है इसमें। ठीक है, तो फलीदार व बिना फलीदार फसलों को मिलाकर बनाई जाने वाली है को मिश्रित है कहते हैं। ठीक है, फलीदार व बिना फलीदार फसलों को मिश्रित करके बनाई जाने वाली है को मिश्रित है कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, मिश्रित है कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए इसकी गुणवत्ता क्या होती है, फलीदार फसल की मात्रा पर निर्भर करती है। अब इसकी गुणवत्ता कैसी होगी, कैसे गुण की होगी, अच्छे गुण वाली होगी या बुरे गुण वाली, कम गुण वाली होगी, अधिक गुण वाली या कम गुण वाली होगी, वो फलीदार फसलों की मात्रा पर निर्भर करते हैं। अगर फलीदार फसलों की मात्रा अधिक होती तो मिश्रित है बहुत ही बढ़िया गुणों वाली होगी, और जब फलीदार फसलों की मात्रा कम होगी तो क्या होगी, कम गुणों वाली। इसकी गुणवत्ता फलीदार फसलों की मात्रा पर निर्भर करती है, फलीदार फसलों की मात्रा पर क्या करती है, यह निर्भर करती है। ठीक है, आगे देखिए इस प्रकार की है बनाने के लिए फसल को क्या करना चाहिए, जल्दी काट लेना चाहिए, फसल को पकने से पहले ही क्या कर देना चाहिए, हमें काट लेना चाहिए। इस प्रकार की है बनाने के लिए फसल को जल्दी काट लेना चाहिए ताकि प्रोटीन की मात्रा अधिक मिल सके। जितनी ज्यादा जल्दी काटेंगे उतना ज्यादा क्या होगा,
प्रोटीन की मात्रा अधिक मिलेगी। इस प्रकार की हे बनाने के लिए फसल को जल्दी काट लेना चाहिए ताकि प्रोटीन की मात्रा क्या हो, अधिक प्राप्त। प्रोटीन की मात्रा अधिक प्राप्त हो इसलिए आपको फसल को जल्दी काट लेना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। फिर है चौथा हमारा अनाज वाली फसलों से क्या बनाना है, चौथा है हमारा डी, अनाज वाली फसलों, की है। इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, कैसी होती है, वो देखते हैं अपन। तो अनाज वाली फसल देखिए, अनाजों से उत्तम प्रकार की है प्राप्त करने के लिए इनके दानों में दूध पड़ने प्रकार लेना चाहिए। अगर अपन अनाजों से उत्तम प्रकार की है बनानी है, अच्छे प्रकार की है प्राप्त करनी है, तो इनके दानों में दूध पड़ने पर काट लेना चाहिए। जैसे ही दानों में रसीलापन आता है, दूध पड़ता है, तब भी उसको हाथों हाथ काट लेना चाहिए। अनाज वाली फसल से उत्तम प्रकार की है बनाने के लिए उत्तम प्रकार की है बनाने के लिए इनके दानों में दूध पड़ने पर क्या कर देना चाहिए, काट लेना चाहिए। जैसे इनके दानों में दूध पड़ता है तब काट लेना चाहिए, तभी हमें इसको काट लेना चाहिए। यह अनाज वाली फसलों की है बनाने जाती है। अब उत्तम है के गुण क्या क्या है, जो सबसे स्पेशलिस्ट है होती है, अच्छे वाली है होती है, उसके गुण क्या क्या है, तो उत्तम है के गुण अपन चर्चा करते हैं। अगला है उत्तम है के गुण। ध्यान रखना आप लोग कि ये जो गुण अपन ने पढ़े हैं फलीदार फसलों की है क्या, ठीक है। और अब जो पढ़ेंगे सभी में से सबसे बेस्ट है बनानी हो तो उसके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए, तो इनमें पत्तियां अधिक होनी चाहिए। उत्तम प्रकार की है में क्या होनी चाहिए, पत्तियां अधिक होनी चाहिए, इनमें पत्तियां अधिक होनी चाहिए। पत्तियां क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। दूसरी चीज इनका रंग हरा होना चाहिए, रंग कैसा होना चाहिए, हरा होना चाहिए, वो उत्तम प्रकार के है होती हैं। इनका रंग हरा होना चाहिए, इनका रंग हरा होना चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज, ये मुलायम एवं स्वादिष्ट होनी चाहिए। ये क्या होनी चाहिए, ये मुलायम एवं स्वादिष्ट होनी चाहिए। एक मुलायम होनी चाहिए और दूसरी क्या होनी चाहिए, ये स्वादिष्ट होनी, मुलायम एवं स्वादिष्ट होनी चाहिए, ठीक है। ये फफूंदी अथवा सड़न रहित होती चाहिए, इसमें ना तो फफूंद होनी चाहिए ना ही सड़न होनी चाहिए। तो ये फफूंदी तथा सड़न रहित होनी चाहिए, यह फफूंदी अथवा सड़न रहित होनी चाहिए।
सड़न रहित होनी चाहिए, फफूंदी वाली और सड़न रहित होनी चाहिए, इनमें किसी भी प्रकार का खरपतवार नहीं होना चाहिए, हे में किसी भी प्रकार का खरपतवार नहीं होना चाहिए, इनमें किसी भी प्रकार का खरपतवार नहीं होना चाहिए, खरपत किसी भी प्रकार का खरपतवार इनमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, धूल व मिट्टी रहित होनी चाहिए, धूल भी नहीं लगी होनी चाहिए, मिट्टी भी नहीं लगी। तो छठा है धूल व मिट्टी रहित होनी चाहिए, तब तो अगर किसी है में ये सभी गुण है तो वो क्या होती है, सबसे उत्तम प्रकार की है होती है, ठीक है। इसके बाद है को बनाना और सुखाना जो अपन पढ़ेंगे आगे, पहले आप क्या करें इसका स्क्रीनशॉट लें। उत्तम प्रकार की है, सॉरी है बनाना तथा सुखाना कैसे अपन कर सकते हैं। अगला हमारा टॉपिक है बनाना, बनाना तथा सुखाना। है बनाना तथा सुखाना की अगर चर्चा करें तो सबसे पहले खेत में है कैसे बनाते हैं, पहला है खेत में है बनाना, इसका पहला है खेत में है बनाने के भी कुछ चरण है। सबसे पहले तो समतल भूमि पर तैयार करना, एक खेत में समतल भूमि होती है तो समतल भूमि पर तैयार करना, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जब फसल पर फूल आ रहे हो, जब फसल पर फूल आना स्टार्ट हो जाए, फूल आ रहे हो तब सुबह के समय क्या कर लेना चाहिए, ओस हट जाने के बाद काट लेना चाहिए, काट कर खेत में फैला देना चाहिए, खेत में सुखा देना चाहिए। जब क्या हो, फसल पर फूल आ रहे हो तो सुबह के समय, अब सुबह के समय क्या होता है, थोड़ी बहुत फूलों पर पत्तियों पर ओस होती है, तो जैसे ही वो सुबह के समय ओस हट जाती है, उसमें वाष्प उत्सर्जन क्रिया से या कैसे भी वो हट जाती है, तो उनको काट कर खेत में फैला देना चाहिए। जब फसल पर फूल आ रहे हो, जब फसल पर फूल आ रहे हो तब फसल, तब सुबह के समय ओस हट जाने पर काट कर खेत में फैला देनी चाहिए, खेत में क्या कर देनी चाहिए, हमें फैला देनी चाहिए, फसल काट कर खेत में फैला देनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, जब जल की मात्रा क्या हो जाती है, लगभग 14% हो जाती है, जब जल की मात्रा सिर्फ 14% रह जाती है तो उसे ऐसे स्थान पर इकट्ठा करना चाहिए जहां वर्षा से बचा हो सके, जहां वर्षा से इसको बचा सके, क्योंकि सुखाया अपने नमी को कम करने के लिए, जल की मात्रा को कम करने के लिए, और वापस बारिश इन पर हो जाएगी, जल की मात्रा वापस ग्रहण कर लेंगे, ठीक है। तो जब जल की मात्रा, जब जल की मात्रा लगभग 14%, जब जल की मात्रा लगभग क्या हो जाती है, 14% हो तो इन्हें ऐसे स्थान पर
इकट्ठा करना चाहिए इन्हें ऐसे स्थान पर इकट्ठा करना चाहिए जहां वर्षा से बचाव हो, जहां वर्षा से बचाव, वर्षा से बारिश से बचाव हो चलिए वहां इनको इकट्ठा करना चाहिए। ठीक है, फिर है सोस पंक्तियों को तैयार करना। दूसरा है सोस पंक्तियों को तैयार करना। अब सोस पंक्तियां क्या होती है, कैसे इसको तैयार करते हैं, उसकी अगर अपन चर्चा करें, ठीक है, उसकी चर्चा करते हैं अपन। तो देखिए सोस पंक्तियों को तैयार करने का तरीका कैसे करते हैं कि फसल को खेत में एक दिन तक हमें क्या करना चाहिए, पड़ी रहने के बाद पूरे क्षेत्र में छोटी छोटी ढेरियों के रूप में इकट्ठा करते हैं। छोटी छोटी ढेरियों के रूप में अपन को इकट्ठा करना चाहिए, एक दिन तक पड़े रहना चाहिए और फिर उसको क्या करना चाहिए, छोटी छोटी ढेरियों के रूप में इकट्ठा करते हैं। फसल को खेत में एक दिन तक पड़ी रहने के बाद, एक दिन तक खुले पड़ी रहने के बाद इसे पूरे क्षेत्र में बाद इसे पूरे क्षेत्र में पूरे क्षेत्र में हमें क्या करना चाहिए, छोटी छोटी ढेरियों के रूप में क्षेत्र में छोटी छोटी ढेरियों के रूप में इकट्ठा करते हैं। छोटी छोटी ढेरियों के रूप में क्या करते हैं, हम इकट्ठा करते हैं इसको। आगे की चर्चा अगर अपन देखें तो देखिए समय समय पर इनको क्या करते हैं, उलटते रहना चाहिए, समय समय पर उनको पलटते रहना चाहिए, समय समय पर इनको उलटते रहना चाहिए, समय समय पर इनको उलटते पलटते रहना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, फिर देखिए टिपाई विधि, तीसरी है हमारी टिपाई विधि क्या होती है। नाम से पता चल रहा है अगर आपको कुछ तो आप समझ सकते हो, टिपाई विधि यानी जहां नमी या बारिश की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है, जहां भूमि में नमी ज्यादा होती है तो अगर जमीन पर सुखाएंगे तो ये भूमि से वापस नमी सोख लेंगे तो वापस ये गीली अवस्था में आ जाएंगे, नम अवस्था में आ जाएंगे, तो इनका टिपाई यानी टिपाई बना के ऊपर क्या करते हैं, जमीन से ऊपर इनको सुखाते हैं। जहां वर्षा अधिक हो वहां फसल को तिपाई में गाड़ कर, तिपाई गाड़ कर क्या करते हैं, उन पर फैला देते हैं। जहां वर्षा अधिक हो, जहां वर्षा अधिक हो, जहां वर्षा क्या हो, अधिक होती है वहां वहां क्या करते हैं, फसल को तिपाई गाड़ कर, वहां फसल को तिपाई, फसल को तिपाई, फसल को तिपाई गाड़ कर उन पर उन पर फैला देते हैं, उन पर अपन फैला देते हैं, उन पर फैला देते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये हवा व धूप से सूख जाती है, ये क्या होती है, हवा व धूप से सूख जाती है, ये हवा व धूप से तिपाई नहीं है, ये तिपाई है। ठीक है, यह इसके ऊपर पड़ी पड़ी क्या होती है, यह हवा व धूप से सूख
जाती है। हवा व धूप से क्या होती है, आसानी से सूख जाती है। आगे देखिए सस्याधार शोषण विधि, जो कि और विधि है सस्याधार शोषण विधि, सस्याधार शोषण विधि। सस्याधार शोषण विधि में क्या होता है, देखिए जब मौसम के कारण खेत में हे तैयार नहीं करते कर सकते, जब मौसम ऐसा होता है कि अपन हे को खेत में तैयार नहीं कर सकते, तब यह विधि काम में लेते हैं। जब मौसम के कारण खेत में हे तैयार नहीं कर सकते तब यह विधि काम में लेते हैं। तब क्या करते हैं, यह विधि अपन काम में लेते हैं, ठीक है, यह विधि काम में लेते हैं। आगे देखिए सस्याधार के फर्श में क्या होता है, नालियां बनी होती है जिनके द्वारा गर्म हवा वायु को अंदर प्रवेश करवाया जाता है। सस्याधार में नालियां बनी होती है जिनके द्वारा क्या करते हैं अपन, गर्म हवा को इसमें प्रवेश करवाते हैं। सस्याधार में नालियां बनी होती है जिनके द्वारा इसमें गर्म हवा प्रवेश कराई जाती है। गर्म हवा क्या होती है, प्रवेश कराई जाती है, गर्म हवा प्रवेश करवाई जाती है। आगे देखते हैं अपन सस्याधार विधि में और अपन क्या क्या करते हैं, तो देखिए क्या करना चाहिए और क्या करते हैं अपन सस्याधार विधि में। ये विधि कब काम में ली जाती है, जब अपन खेत में हे को तैयार नहीं कर सकते तब ये विधि अच्छे से काम में ली जाती है। आगे देखिए पहले फसल को खेत में क्या करते हैं, अपन सुखाते हैं, पहले तो इसमें फसल को खेत में सुखाते हैं जिससे जल की मात्रा 25% तक रह जाए फिर सस्याधार में लाते हैं। पहले फसल को खेत में सुखाते हैं जिससे नमी की मात्रा 25% रह जाए तथा फिर सस्याधार में लाते हैं। फिर क्या करते हैं, सस्याधार में लाते हैं, ठीक है। फिर देखिए इस विधि से तैयार है में विटामिन ए की मात्रा अधिक रहती है, इस विधि द्वारा जो सस्याधार विधि द्वारा है बनती है उसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है। इस विधि से तैयार है में विटामिन ए की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। विटामिन ए की मात्रा क्या होती है इसमें, अधिक होती है। फिर देखिए किरणीकरण द्वारा पोषक तत्वों को हानि अधिक हो जाती है, इसमें किरणीकरण द्वारा पोषक तत्वों की हानि भी अधिक होती है। किरणीकरण द्वारा पोषक तत्वों की हानि अधिक होती है, पोषक तत्वों की हानि क्या होती है, अधिक होती है। अब भारत में ये तो हो गए अपने हे के बारे में, जो हे कैसे बनाना है, ठीक है। अब भारत में हे बनाना मुश्किल होता है,
उसमें कुछ कठिनाई होती है। भारत में हे बनाना की बाधाएं क्या क्या है, तो भारत में हे बनाने की बाधाएं, भारत में हे बनाने की बाधाएं कौन कौन सी है वो अपन देख लेते हैं। आखिरी चार पांच लाइनें इस अध्याय की, तो देखिए यहाँ औसतन किसान गरीब है, हमारे इसमें पैसा ज्यादा लगता है बनाने में, ठीक है खर्चा ज्यादा आता है, तो यहाँ औसतन जो है वो किसान क्या है, गरीब है, वो इस है बनाने की जो प्रक्रिया उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। यहाँ औसतन किसान क्या है, गरीब है, ज्यादातर किसान गरीब है, किसान गरीब ही होता है ज्यादातर, ठीक है ज्यादातर किसान गरीब है। किसान अपना धन अधिक समय तक नहीं लगा सकता, वो अपना धन अधिक समय तक नहीं लगा सकता, इसके लिए तो ज्यादा टाइम चाहिए होता है बनाने में, ठीक है। तो किसान अपना धन ज्यादा समय तक नहीं लगा सकता, किसान अपना धन ज्यादा समय तक क्या होता है, लगा नहीं सकता है, ठीक है। भूमि की कमी के कारण पशुओं के चारे क्षेत्र कम उगाए जाते हैं, भूमि की कमी के कारण पशुओं के लिए चारे का क्षेत्र कम उगाते हैं, ठीक है चारे के क्षेत्र में कम उगाते हैं, चारा कम उगाते हैं क्योंकि भूमि की कमी है, अगर चारा ज्यादा उगाएंगे तो मनुष्य को खाने के लिए कहां उगाए, तो भूमि की कमी के कारण क्या होता है, पशुओं के लिए चारा क्षेत्र कम उगाते हैं, चारा कम उगाते हैं। चौथी बाधा कौन सी है, तो घासें जो होती है अधिकतर वर्षा ऋतु में ही होती है हमारे यहाँ पे, जबकि वर्षा के मौसम में है बनाना कठिन होता है, और वर्षा के मौसम में है नमी बहुत ज्यादा होती है तो है बनाना बहुत कठिन होता है। घासें अधिकतर वर्षा के मौसम में होती हैं तथा जबकि वर्षा ऋतु में हे बनाना कठिन होता है, वर्षा ऋतु में हे बनाना क्या होता है, कठिन होता है। सिंचाई साधन क्या होते हैं, अपर्याप्त होते हैं, हमारे भारत में सिंचाई साधन अपर्याप्त है, इसलिए सिंचाई समय पर नहीं होकर इसकी खेती नहीं हो पाती है, सिंचाई साधन अपर्याप्त है, सिंचाई साधन अपर्याप्त है। इसी के साथ हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है, स्क्रीनशॉट ले आप इसका पेन, तो देखिए ये था हमारा लेसन पशुओं में पोषण। आने वाली क्लास में एक नया लेसन अपन शुरू करेंगे, उम्मीद करता हूँ जो भी आज अपन ने पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।